हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है जो हम मूलभूत गणितीय अवधारणा पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका मैं इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं और अब मैंने हिंदी का सीरीज स्टार्ट किया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कुछ परेशानी होती थी तो उसके हम थर्ड पार्ट में आज पढ़ेंगे सदिश के बारे में, सदिश विश्लेषण। क्लियर? सदिश बीजगणित या सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखो, ये जो मैथमेटिक्स है सदिश, वो आप 10th क्लास तक ये नहीं पढ़े होते हैं, मतलब 11th क्लास में या 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके लिए नया चीज़ है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ से जीरो से स्टार्ट करूँगा कि सदिश क्या है और सदिश को किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसको जोड़ते हैं। तो सदिश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स समझने के लिए, क्योंकि जितनी भी भौतिक राशि हम पढ़ेंगे उसमें से अधिकांश भौतिक राशि सदिश होते हैं और सदिश का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण, पहले तो देखिए सदिश और अदिश के बारे में तो आपको जानकारी है, फिर भी चलिए मैं इससे पहले थोड़ा सा और बेसिक से स्टार्ट करूं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वो एक्चुअल में तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन बेसिकली हम उसको दो मान के चलते हैं। पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। एक्चुअल में तीसरा कंडीशन भी होता है जिसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। टेंसर हिंदी में तो मुझे पता नहीं, टेंसर क्वांटिटी मतलब जो न तो सदिश होता न अदिश होता, मैं लास्ट में उसका एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन हम बेसिकली दो रूप में ही मान के चलते हैं। मैक्सिमम जगह में आपको दो ही पढ़ने को मिलेगा, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या है? ऐसी भौतिक राशियाँ अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, तो सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, केवल परिमाण हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश मतलब दिशा सहित, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ क्या हो, इसमें दिशा भी हो। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिनके सदिश और अदिश होने पर एक तरह से कंफ्यूजन है, थोड़ा भेद है कि वो होता तो अदिश है और सदिश की तरह व्यवहार करता है या सदिश है तो अदिश की तरह व्यवहार करता है। तो ये कोई बहुत स्पेशल नहीं है, इसमें कुछ भौतिक राशियों को माना गया है, कुछ राइटर्स ने कुछ लिखा है, बाकी बहुत से बुक में आपको सिर्फ अदिश और सदिश ही पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो हम अदिश राशि कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, तो परिमाण का मतलब क्या है, क्वांटिटी, परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा। जैसे मान लो मैं बाजार में कुछ सपोज शुगर खरीदने गया, शक्कर खरीदने गया और मैं बोला कि मुझे शक्कर दे दो, तो क्या दे देगा वो? नहीं देगा। क्या बोलेगा, अगला क्वेश्चन क्या करेगा, कितना दूँ, हाउ मच, कितना शक्कर दूँ भाई आपको बोलेगा। मैं बोलूँगा 10 kg, 10 किलो दे दो बोलूँगा। तो ये जो मैं 10 क्वांटिटी बता रहा हूँ वही क्या है, उसकी परिमाण है। कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी कि कितना। यदि किसी पिंड की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 उसकी मात्रा है। तो मान लो मैं शक्कर खरीदने गया, तो शक्कर खरीदने के लिए मैं परिमाण से काम चला लिया, उसे मुझे दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। अब दुकानदार ऐसा तो नहीं पूछेगा कि 5 किलो 10 किलो शक्कर किस दिशा में दूं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। मतलब परिमाण को वहाँ, मतलब द्रव्यमान को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या है वो, अदिश राशि है। लेकिन बहुत सी भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण तो आवश्यक ही है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, मैं मान लो बोलूं कि किसी पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो आगे क्वेश्चन किया जा सकता है किस दिशा में, कि उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या कुछ भी दिशा में
पूछा जा सकता है। यदि हम त्वरण कहें कि किसी पिंड का त्वरण इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो किस दिशा में त्वरित हो रहा है, तो त्वरण यहाँ पर क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, बल सदिश राशि हो गया। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान जरूरी होता है उन्हें हम सदिश कहते हैं। लेकिन ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा में कन्फ्यूज़न होता है कि कह नहीं सकते, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है इसको हम एरिया, ये क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम किसी का जब क्षेत्रफल मापते हैं तो उसका परिमाण तो होगा ही, लेकिन उसमें दिशा भी कभी जरूरत होता है दिशा का, कि किस दिशा में हम क्षेत्रफल मापें, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई किस दिशा को कहेंगे और चौड़ाई किस दिशा को कहेंगे, इधर लंबाई इधर चौड़ाई तो दिशा है। लेकिन दिशा का ज्ञान ना हो तब भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, और रेयर ऑफ द रेयर है, हर बुक में हर राइटर में होता भी नहीं। इसका मुझे दिशा, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो अब एक लेंथ है, एक विड्थ है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई की दिशा हुई और चौड़ाई की भी दिशा हुई, मैं तो इसको लंबाई नहीं कह रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सदिश का बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन मान लो मेरे पास इस तरह से एक कोई खेत, कोई क्षेत्रफल है, कोई खेत है, कोई फील्ड है, तो किसी खेत का भी किसी फील्ड का भी क्षेत्रफल तो होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो यहाँ पर सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर दिशा की आवश्यकता है। इस तरह से जो सदिश राशि या अदिश राशि के बीच की बात होती है उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जैक्ट हिंदी नाम मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी, लेकिन उसको टेंसर आप ध्यान, या ऐसा समझ सकते हो कि जो अदिश और सदिश दोनों ठीक से ना हो, फिर भी बहुत जगहों में आपको क्षेत्रफल को सदिश ही माना जाएगा, ये आप ध्यान रखना, जबकि दिशा का ज्ञान इसमें नहीं होता। क्लियर? तो यह तो अलग चीज़ हुआ। तो ये हुआ अदिश राशि सदिश राशि। अब हमारा जो मेन चैप्टर है, मेन जो टॉपिक है जो आप हम पढ़ने वाले हैं, वो सदिश राशि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशियों को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सदिश राशि। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई सदिश, अब यहाँ पर अदिश और सदिश राशि दो तरह के राशि हो गए, तो भाई हम उनको पहचानेंगे कैसे, कि हम फिजिक्स में वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई किसी भी स्टूडेंट को या कोई भी जब उसका स्टडी करेगा तो उसको पता चल जाना चाहिए कि वो राशि अदिश है कि सदिश। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सदिश का निरूपण, मतलब सदिश को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना मतलब प्रदर्शित करना कि सदिश को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो सदिश राशियों को निरूपित करने का, रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है। क्या क्या तीन तरीका है, जैसे मान लो कोई हमारे पास सदिश राशि है ए, तो उसके ऊपर लगा देंगे ऐसा तीर का निशान और इसको हम पढ़ेंगे सदिश ए, इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर ए। या इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए के ऊपर में सीधा इस तरह से लाइन भी लिख सकते हैं, तीर का निशान लगाना जरूरी नहीं है, यह भी सही है। तो सदिश को ऐसा भी लिखा जा सकता है। या तीसरा तरीका इसको प्रदर्शित करने का है उसको बोल्ड लेटर से, जो कि हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं, ये बहुत बकवास काम है, देखिए टाइम लग रहा है, मुझे खुद टाइम लग रहा है, ऐसा कौन करते रहेगा, तो ऐसा भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मैं आपको तीनों तरीका इसलिए बताया कि कई बार आप कुछ राइटर्स के बुक पढ़ेंगे तो राइटर उसको प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होना, उसको बोल्ड लेटर दे दिया, लेकिन हमारे लिए तो परेशानी हो जाती है, लिखते समय उसको गाढ़ा करते रहेंगे, तो जनरली हम इसका उपयोग नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना सदिश को ऐसा भी प्रदर्शित किया जाता है, कभी किसी बुक में पढ़ने को मिले तो परेशान मत होना कि ये कैसा है। क्लियर? खासकर मैंने कुछ राइटर्स के बुक देखे हैं जो सदिश को हमेशा डार्क लेटर से ही लिखे हैं। तो ये सदिश के निरूपण के तीन तरीके हैं, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इसको प्रीफर करता हूँ, यह सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ अपने लिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी लिखे और ऐसा तुरंत लिख दिए सदिश, तीर का निशान लगाने के लिए भी कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता और ये तो बकवास ही है, लेकिन आपको जानकारी जरूरी है। ठीक है? तो ये सदिश को हम तीन तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो सदिशों को प्रदर्शित करने के बाद एक एक पॉइंट वाइज 9 पॉइंट में हम इसको समझेंगे। दूसरी बात है कि सदिश को हम कहीं से जो शुरुआत करते हैं उसका एक कोई पॉइंट होता है जहाँ से वो
पैदा होता है, निकलता है, उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, ये एक एक टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि सदिश में किस किस राशि, किस किस शब्दों का, वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग होता है। स्थिति सदिश इंग्लिश में बोलते हैं पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर। तो स्थिति सदिश क्या होता है, देखो सपोज ये सारा चीज़ मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियो में बना चुका हूँ, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल मैंने फिर से बनाया है, क्योंकि वहाँ पर मैं हिंदी शब्द यूज़ नहीं किया था, बहुत से स्टूडेंट मेरे परेशान हो रहे थे। देखिए ये कोई बिंदु है ये, और इस बिंदु से इसको हम कहेंगे बिंदु, मूल बिंदु। ये कोई मूल बिंदु है अपने पास, मूल बिंदु, और इंग्लिश में कहते हैं उसको ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु। और यहाँ से ये कोई सदिश निकल रहा है, ये सपोज ओ है, हम मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ फॉर ओरिजिन होता है। और यहाँ से ओ ए, यहाँ से ओ बी, और भी निकाल सकते हैं ओ सी। तो ये सब सदिश जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, क्या क्या लिखे जा रहे हैं, सदिश ओ ए, सदिश ओ बी, सदिश ओ सी, एंड सो ऑन। ये सब क्या हैं, स्थिति सदिश हैं। तो स्थिति सदिश का मतलब क्या हुआ, ऐसा सदिश जो किसी एक नियत बिंदु से या जो ओरिजिन से निकले, जो मूल बिंदु से निकले, ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, स्थिति सदिश कहेंगे। ध्यान रखना स्थिति सदिश का पहला लेटर हमेशा क्या होगा, ओ बी होगा, ओ होगा, मतलब ए बी नहीं हो सकता, ए बी स्थिति सदिश नहीं होगा, आगे बताऊंगा क्या होगा। तो स्थिति सदिश मतलब जो कहाँ से निकले, मूल बिंदु से। ओरिजिन का मतलब भी होता है कि जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो, जैसे ओरिजिन ऑफ द गंगा, गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगोत्री से हुई, तो गंगोत्री क्या हो, ओरिजिन हुआ उसका, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब ही होता है जहाँ से कोई चीज़ निकले, जहाँ से किसी चीज़ का निकलने का शुरुआत हो, उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और मैंने अपने कोचिंग का नाम भी इसी वैज्ञानिक शब्दावली से रखा हुआ है, क्लियर। तो ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ का उद्भव हो, जहाँ से किसी चीज़ का शुरुआत हो। तो ये क्या है, पोजिशन वेक्टर, इंग्लिश में, हिंदी में स्थिति सदिश। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कहलाता है विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर सपोज ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से एक वेक्टर हमने लिया ओ ए, और दूसरा वेक्टर लिया सपोज ओ बी। तो दो वेक्टर ओरिजिन से ए और बी लिया, अब इन दोनों को हमने एक तीसरी लाइन से मिला दिया ये, तो ये जो लाइन है यही क्या है, वास्तव में वेक्टर ए बी है, और ये कहलाएगा विस्थापन सदिश। मतलब दो स्थिति सदिश के बीच का जो विस्थापन होता है वो विस्थापन सदिश कहलाता है, ये ए बी है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ए बी को जब हम पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी बराबर लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ये इसका फार्मूला है। मतलब बाद में जो आएगा उसका स्थिति सदिश ऋण, जो पहले आएगा उसका स्थिति सदिश। यदि इसको हम शब्दों में कहें तो पी वी लिख रहा हूँ ना, इतना आप समझ लेना, पी वी मतलब पोजिशन वेक्टर, पी वी मतलब पोजिशन वेक्टर, इसीलिए इंग्लिश लेटर को ही बता रहा हूँ मैं। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये क्या है, ए बी निकालने का फार्मूला है। ये सब फार्मूला आपको फिजिक्स में काम आएगा, ये बेसिक फंडामेंटल है, इसीलिए मैं इसको स्पेशली पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको जहाँ भी वेक्टर की जरूरत पड़ेगा आप इसकी सहायता से निकाल लोगे। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए बी निकालने का फार्मूला है। ये हो गया पोजिशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या हिंदी में विस्थापन सदिश। नाउ फोर इज सदिश का मापांक, सदिश का मापांक, मॉड ऑफ या मॉडुलस, मॉड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको हम प्रदर्शित करेंगे इस तरह से, सदिश ए, तो ये मॉड ऑफ कहलाता है, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ ए। और जब किसी भी सदिश का जो मॉड होता है तो उसमें से सदिश राशि हट जाती है, मतलब क्या बन जाता है, अदिश बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सदिश राशि का
जो मापांक है, किसी भी सदिश का जो मापांक है वो क्या होता है, सदैव एक अदिश राशि होता है। क्लियर, किसी भी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होता है, ये ध्यान रखना। ये सब फिजिक्स में यूज होते रहते हैं, वहाँ समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी सदिश का जो वर्ग है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हालांकि मापांक नहीं है ना, किसी सदिश का वर्ग, किसी भी सदिश का जो वर्ग होता है वो भी क्या होता है, अदिश राशि बन जाता है। जैसे हो गया ए, तो ये ए स्क्वायर में मैंने देखो सदिश नहीं लगाया है, तो ये भी क्या बन गया, अदिश राशि। ये बात, दोनों बात आप ध्यान रखना। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एकांक सदिश या एकक सदिश। एकांक सदिश या एकक सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो एकांक सदिश नाम से स्पष्ट है, जिसका परिमाण क्या हो, जिसका परिमाण इकाई हो, जिसका परिमाण एक हो, उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश को निकालने का फार्मूला होता है ए, और ऊपर में इस तरह से कैप की तरह अपन निशान लगाते हैं, और जिसको हम पढ़ते हैं ए कैप, इसको पढ़ेंगे ए कैप। और ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ये सूत्र आप याद रखना। क्लियर, क्या बताया मैंने, किसी भी सदिश का जो एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण क्या हो, इकाई के बराबर हो, उसे हम एकांक सदिश कहेंगे। और इसका फार्मूला है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब उस सदिश में जब उस सदिश के मापांक का भाग दे देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में भी एक और डिटेल पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे एक्स वाई और एक्स का अक्ष का अलग अलग एकांक सदिश पढ़ेंगे। नाउ सिक्स नंबर पॉइंट इज ऋणात्मक सदिश। सब पहले पढ़ लें समांतर सदिश, समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास दो सदिश है, ये सदिश है, सपोज सदिश ए है ये, और एक जो दूसरा सदिश है वो है ये सदिश बी। तो दो सदिश हैं अपने पास, सदिश ए और सदिश बी, और इन दोनों को आप देख रहे हो कि दोनों सदिशों की दिशा क्या है, समान है, दोनों सदिशों की दिशा समान है, लेकिन परिमाण अलग अलग है। एक को देख रहे हो आप छोटी लाइन है, दूसरी क्या है, बड़ी लाइन है। तो ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा समान हो किंतु परिमाण भिन्न भिन्न हो, ठीक है, शब्दों को ध्यान देना आप, दिशा समान हो किंतु परिमाण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहेंगे। और इसको इस प्रकार से लिखते हैं अपन, ए इक्वल लेमडा, लेमडा मतलब कोई भी कांस्टेंट, और इनटू वेक्टर बी, मतलब आप समांतर सदिश को कैसे पहचानोगे, जैसे कहीं पर लिखा हो कोई सदिश और कोई दूसरा सदिश का कोई गुणांक हो, जैसे ए इक्वल टू थ्री बी हो, ए इक्वल टू फाइव बी हो, तो यहाँ समझ जाना है कि ए और बी क्या है, समांतर सदिश है। क्यों, क्योंकि दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, दिशा में तो बराबर हैं लेकिन परिमाण में भिन्न भिन्न है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो परिमाण अलग हो लेकिन दिशा एक ही हो। इसके बाद सेवंथ नंबर का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है समान सदिश, समान सदिश इक्वल वेक्टर। देखो नाम से स्पष्ट है इक्वल वेक्टर मतलब समान सदिश। अब यहाँ पर देखो इसका एग्जांपल है कि मान लो ये कोई सदिश है ए, और इसके नीचे में एक दूसरा सदिश है ये बी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों सदिश की लाइन बराबर है और दिशा भी बराबर है, मतलब हमने समांतर सदिश में बताया कि दोनों की केवल दिशा समान हो, लेकिन समान सदिश किसको कहते हैं, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों आपस में बराबर हो, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा, परिमाण में भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो, इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करेंगे इस तरह से ए बराबर बी, यहाँ कोई कांस्टेंट का गुणा नहीं रहेगा। और इस तरह यदि हम इन दोनों में संबंध बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि हर समान सदिश समांतर सदिश होता है,
क्योंकि ये समांतर के भी गुण को रखता है, लेकिन हर समांतर सदिश समान सदिश नहीं होता। हर समान सदिश को हम समांतर भी कह सकते हैं, लेकिन हर समांतर सदिश को समान नहीं कह सकते, क्योंकि समान होने के लिए परिमाण भी बराबर होना चाहिए, और समांतर में क्या होता है, परिमाण बराबर नहीं होते। तो दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन है और डिफरेंस है, उसको आपको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश या इसी को ऋणात्मक सदिश भी बोला जाता है। ऋण सदिश एक ही मतलब है, इंग्लिश बोलते हैं निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। दो सदिश ऋणात्मक सदिश कब कहलाते हैं, देखो जैसे ये एक सदिश है सदिश ए, और दूसरी सदिश को हमने इसके नीचे लिखा ये, और इसकी दिशा देखो इसके ठीक विपरीत है। तो दो सदिश ऋण सदिश या विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। कब होते हैं, जब दोनों सदिशों की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत हो। जब दो सदिशों की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत हो, एग्जैक्ट अपोजिट, तब उसको हम क्या कहेंगे, विपरीत सदिश कहेंगे। इस ये परिमाण में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इसको जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे ए इक्वल माइनस बी। यहाँ कोई गुणांक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब यदि दो सदिश ऐसे हैं कि एक सदिश के सामने ऋण का चिन्ह लगा हुआ हो, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऋण सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, उसको आप ध्यान समझना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वेक्टर एलजेब्रा में सदिश बीजगणित में यूज होने वाले वर्ड कि कौन कौन से शब्द यूज होंगे जो साइंटिफिक वर्ड है, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं समझोगे। मैं कहीं पर बोलूंगा ये दोनों ऋणात्मक सदिश है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ऋणात्मक से समान सदिश है। तो ये सबसे पहले अपने को टर्म समझना है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने का पहला फंडा यही है कि आपको उसकी टर्मिनोलॉजी मतलब उसकी शब्दावली पर कमांड होना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट आप एक बार ध्यान से देखिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे नोट्स पर मिलेगा आप। नोट्स थोड़ा पीडीएफ पर लेट में डालूंगा मैं, वैसे इसको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप मेरे बोर्ड से ही स्क्रीनशॉट करके इसको आप बना सकते हैं नोट्स। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट अपन अब देखते हैं। कुछ सदिश के और इसमें टाइप्स बच गए, जिसमें एक ही टाइप है वो है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। नाइन्थ पॉइंट में बताऊंगा, मैं आपको बताया था शून्य सदिश, शून्य सदिश इंग्लिश में बोलते हैं अपन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश। ये जीरो वेक्टर या शून्य सदिश का मतलब क्या होता है, देखो इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओ से। ये शून्य सदिश को प्रदर्शित करने का तरीका है, और ये पॉइंट, ये है पॉइंट। तो किसी पॉइंट को, ये बहुत रेयर, आप थोड़ा ध्यान समझना, पॉइंट जो होता है बिंदु, बिंदु को हम शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश की खासियत यह है कि हम इसके परिमाण को शून्य मान के चलते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका परिमाण पूरा शून्य हो, क्योंकि यदि किसी चीज़ का ब्रह्मांड में अस्तित्व है या फिजिक्स में उसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ। लेकिन ये रेयर केस है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सदिश को जिसका परिमाण शून्य हो किंतु उसमें दिशा हो, देखो बहुत अजीब बात है ना, परिमाण शून्य हो किंतु उसमें दिशा हो, ऐसे सदिश राशि को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। अब पॉइंट इसका एग्जांपल कैसे हुआ, जैसे हम कहीं पर बिंदी पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट करते हैं, तो पॉइंट में डायरेक्शन फिक्स होता है कि मैं किस दिशा में पॉइंट लगा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट का कोई मेजरमेंट नहीं होता, ना उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई आप कुछ नहीं बता सकते, मतलब उसका कोई चीज मापा नहीं जा सकता, इसलिए परिमाण को हमने क्या मान लिया, शून्य मान लिया, किंतु उसमें दिशा होती है। तो एक रेयर एग्जांपल है ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो किंतु दिशा हो, ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश। इसको वेक्टर ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो यह है सदिश में यूज होने वाले टर्म्स। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है सदिशों का योग, सदिशों का जोड़ना, जिसको दो नियम हम पढ़ेंगे सदिशों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो जब भी हम फिजिक्स में कहीं पर सदिश राशि को जोड़ेंगे तो इन्हीं नियमों का पालन करके जोड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से एक नियम तो ऐसा है
कि मैं कहता हूँ फिजिक्स पढ़ते समय रेगुलर रेगुलर एक दो दिन में उसका हमको ज़रूरत पड़ता ही है, और वहाँ स्टूडेंट का यदि वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर ना हो तो वह परेशानी होती है। इसी बात को ध्यान में रख के इसका मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद भी मैं हिंदी में इसको बता रहा हूँ ताकि मेरे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में मेरे वीडियो देखते हैं उनको कहीं पर समझने में परेशानी ना हो, और मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ा रहा हूँ हिंदी में। अब हम पढ़ते हैं सदिशों का योग। सदिशों का योग मतलब सदिशों को जोड़ना। देखो सदिशों का घटाना जोड़ने से ही हो जाता है। सामान्य जो बीजगणित है हमारा, जो एलजेब्रा है, उसमें फोर टाइप के प्रोसेस होते हैं, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं संक्रिया, जोड़ना घटाना गुणा और भाग, ये फोर ऑपरेशन होते हैं। लेकिन सदिश में ये पूरा काम सिर्फ दो तरीके से चल जाता है, योग करने से और गुणा करने से। तो आप पूछोगे कि सर क्या इसमें घटाना नहीं होता? घटाना होता है, लेकिन उसको हम योग ही कहते हैं। ऋणात्मक सदिश को जोड़ना ही घटाना हो जाता है, और गुणा होता है किंतु भाग नहीं होता। तो यहाँ पर हम भाग नहीं देते, सदिशों का भाग नहीं होता, सदिशों का सीधा गुणा से पूरा काम चल जाता है। तो मुख्यतः आप मान सकते हैं कि हम यहाँ पर सदिशों का योग सीखते हैं और सदिशों का गुणा सीखते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में इसको दो पार्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो मेरा पहला पार्ट है ये सदिश का, इसमें मैं आपको अभी योग सिखाऊंगा, और सेकंड पार्ट में आपको दूंगा उसमें गुणा, क्योंकि यदि दोनों चीज़ों को मैं एक ही दिन पढ़ा दूं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सदिशों का योग, जिसमें पहला नियम है, या सदिश योग का नियम भी कह सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसको, सदिशों का योग ही सही है या सदिश योग का नियम। पहला, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसको हम त्रिभुज नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको त्रिभुज की सहायता से समझते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल लॉ। सदिश योग का त्रिभुज नियम ट्राइंगल लॉ। अब यह नियम क्या है, इसके कथन पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके सिचुएशन को समझें। सपोज हमारे पास ये एक सदिश है ए, और धन इसके साथ हम एक दूसरा सदिश है बी, इसको हम जोड़ने वाले हैं। जैसे सामान्य बीजगणित में हम यदि 3 और 5 को जोड़े तो आप तुरंत बोलोगे सर 8, आपने 3 और 5 को जोड़ के बोल दिया 8। किंतु यदि यही ये अदिश राशि है, किंतु यदि यही सदिश राशि हो जाए, और हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई एक सदिश ऐसा है जिसकी दिशा आप देख रहे हो यहाँ पर, और दूसरा सदिश ऐसा है जिसकी दिशा इधर है, अब इन दोनों को जुड़ना है, तो 5 और 3 जैसे सीधा जुड़ के 8 तो होगा नहीं, ये भी सीधा ए धन भी तो होगा नहीं। तो होगा कैसे, आप देखिए बराबर इसको जोड़ने का नियम यह है कि पहला सदिश को हम लिखें, ये सदिश का हेड कहलाता है, टेल कहलाता है, शीर्ष और पाद, सामने का हिस्सा उसका शीर्ष कहलाता है और पीछे का हिस्सा उसका पाद कहलाता है, हेड और टेल, हेड और टेल। तो क्या करते हैं, पहले सदिश का जो हेड है उसमें दूसरे सदिश के टेल को ला के इस तरह से अपन इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। तो पहले सदिश का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइंट हो गया, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, कैसे त्रिभुज बनाएंगे, पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड के साथ में हम तीसरी भुजा बना के इस प्रकार से जोड़ दिए। तो ये जो आप तीसरी भुजा यहाँ पर देख रहे हो, जो रेडिंग से मैंने बनाया है, वही क्या है, इन दोनों का योग है। मतलब यही क्या है, ए धन बी है, ए धन बी ऐसा नहीं जुड़ेगा, ए बी ऐसा जुड़ेगा, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, दूरी और विस्थापन, जो आगे हमने आपको या पहले हम पढ़ चुके हैं, आप दूरी विस्थापन वही है कि ऐसे और ऐसे जोड़ो तो अदिश है वो, लेकिन इस तरह से जुड़ा है तो सदिश है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, और इस त्रिभुज की सहायता से हम इस नियम को एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न, संलग्न मतलब लगे हुए भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उनका योग उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के द्वारा
प्रदर्शित होता है तथा उसकी दिशा इनके विपरीत होता है। क्लियर। यदि दो सदिशों को किसी सदिश के किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका जो योग है उस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है तथा इनकी दिशा इसके विपरीत होती है, क्योंकि इसकी दिशा देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, विपरीत है, लग रहे हैं एक तरफ जा रहे हैं लेकिन सामने से ज्वाइंट हैं तो आगे जाके आमने सामने हो जाएंगे, मतलब उनकी दिशा क्या होती है विपरीत। तो ये है इसका कथन जिसको आप यहाँ पर लिख लोगे और बस इतना ही आपको इसमें जानना है और कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। इसके बाद जो हम नियम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें डेरिवेशन है बहुत सारा, ठीक है। तो दूसरा है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का समांतर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। जैसे अभी हमने सदिशों को त्रिभुज की सहायता से जोड़ा इसलिए हम उसको सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सदिशों को समांतर चतुर्भुज की सहायता से जोड़ेंगे इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम कहेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम ला बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इंग्लिश नाम जानना चाहिए आपको तो पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। अब ये नियम किस तरह से होता है ये आप थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर सपोज एक सदिश ये है, ये एक सदिश है ए, और एक दूसरा सदिश है जिसकी दिशा है ये सदिश बी है। तो दो सदिश हैं यहाँ पर ए और बी। अब देखो ये दोनों सदिश अभी लगातार थे यहाँ पर, ये आसन्न भुजा कहलाते हैं। वो त्रिभुज में बताया वो संलग्न भुजा है और ये क्या है, आसन्न भुजा है। तो यदि दो सदिशों को अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ा दिया और इसको इस तरह से, और हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की रचना किए और ये इसका विकर्ण है, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। और मान लो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण मान लो थीटा है और ये जो इसका अपन विकर्ण बनाए हैं वो क्या है, आर है, आर फॉर रिजल्टेंट है। और जो परिणामी है, परिणामी पहले सदिश के साथ जो कोण बना रहा है वो कोण मान लो ये है और जिसको हमने क्या कह दिया, अल्फा कह दिया। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर है और इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना और इसको हम शब्दों में क्या कहेंगे। देखिए यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, वहाँ पर मैंने बोला था संलग्न, संलग्न मतलब एक के बाद लगा हुआ, आसन्न मतलब जो एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। तो यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी उसके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है, तथा उनका परिणामी उसके विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। क्लियर। तो ये विकर्ण है इसका और उसका जो मान होता है परिणामी का, तो ये परिणामी सदिश, तो परिणामी सदिश का जो मान होता है जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं उसका फार्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है इसका परिणामी सदिश निकालने का फार्मूला, जहाँ पर थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण है, और परिणामी की दिशा निकालने का फार्मूला होता है टेन अल्फा बराबर ये वाला सदिश मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दोनों सूत्र आपको रटना है, इसका बार बार फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, जगह जगह इलेवंथ में यूज़ होगा, ट्वेल्थ में यूज़ होगा। तो परिणामी निकालने का फार्मूला है, ये दिशा निकालने का फार्मूला है समांतर चतुर्भुज के नियम से। कभी कभी क्या है इसका प्रूफ भी, जैसे सदिश विश्लेषण हमारे सिलेबस में है तो टीचर्स इसका प्रूफ भी पूछ देते हैं, तो हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। हाथ में डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, अब हम लिखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ पहला मतलब परिणामी निकालने का हम प्रूफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका हम परिणामी को प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या है, यहाँ पर देखो कुछ रचना करते हैं
वो ये है कि इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया और इस भुजा से क्या किया, इस पर एक लंब डाला। अब हम अपने समांतर चतुर्भुज का पूरा नाम लिख देते हैं। ये है सपोज ओ ए बी सी और ये बिंदु है मान लो डी। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये कोण थीटा है, तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, संगत कोण है दोनों इस प्रकार से। और यहाँ पर ए बी डी क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम इस समकोण त्रिभुज में, हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना की है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में यदि हम साइन थीटा निकालें तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो साइन थीटा बराबर लंब मतलब बी डी, ये है लंब और बटे कर्ण मतलब ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी होगा। दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू, अब ये बी डी क्या है देखो, उसको बी डी ही रहने दो आप, ये बी डी और ए बी क्या है देखो, ए बी क्या है, इसके समांतर है किसके, बी के, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, वेक्टर बी, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से निकल जाएगा बी डी बराबर बी इंटू साइन थीटा, रिलेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब दोबारा फिर इसी समकोण त्रिभुज को अपन लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में पुनः इसमें निकालें, तो यहाँ से हम निकाल लें यदि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पर ए डी और कर्ण है ए बी। दैट इम्प्लाइज ए डी बराबर, ये जो ए बी है किसके बराबर है देखो, ए बी, ये ए बी है और ए बी किसके बराबर है यहाँ पर, बी के बराबर है, जैसे यहाँ पर ए बी के बराबर था, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर ए बी, मतलब हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये होगा रिलेशन नंबर टू। तो दो बार हम यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर बी डी, लंब बी डी है, आधार ये है, आधार बटे कर्ण में भी ये हुआ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है अपने पास बी डी और कर्ण क्या है ए बी। क्लियर? अब कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा, आधार ए डी है और बटे कर्ण क्या है ए बी, यहाँ पर कुछ वैल्यू को मैं गड़बड़ लिख लिया क्या, बी डी और ए डी, ये ए डी, इसके वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बी कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार ना, ए डी बटे कर्ण, तो ए डी बराबर बी कॉस थीटा, ये बी साइन, ठीक है, ठीक है, दोनों में बी आएगा, बाद में इसका वैल्यू को अपन चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखो बी डी का वैल्यू बी साइन थीटा आया और ए डी का वैल्यू आया बी कॉस थीटा। अब उसी त्रिभुज में पुनः अपन क्या है, समकोण त्रिभुज, उसी त्रिभुज को फिर ले रहा हूँ ए बी डी को, ए बी डी में पाइथागोरस के थ्योरम से, अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय को लगाते हैं, तो पाइथागोरस के प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है ए बी है, आधार का वर्ग मतलब ए डी का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग मतलब बी डी के वर्ग के बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर, ये जो ए बी का मान है ए बी, इसके वैल्यू को अपन भर देते हैं, एक बार ऐसे लिख दो, उसी को मैं यहाँ पर चेंज करने वाला था, इसीलिए मैं एक बार देख रहा था कि कहाँ चेंज करें, तो ये ए डी हो जाएगा। अब ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये जो ए डी है इसको हम लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी में ओ ई को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा ए डी, जिसको मैं यहाँ भी चेंज करने वाला था लेकिन हम वहीं चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए का होल स्क्वायर और प्लस बी डी को हम रहने देते हैं बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल, इसके पूर्ण वर्ग करें तो हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस टू ओ ए ओ डी और प्लस बी डी का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर हमको इसमें आर भी लाना है, कर्ण भी लाना है,
तो यदि इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो हम चार पांच स्टेप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, अभी मैं वाच किया उसको। यदि ये जो मैं पाइथागोरस का प्रमेय है उसको बड़े त्रिभुज में लगा दूं तो डायरेक्ट उसमें आर एंट्री हो जाएगा, वैसे ही करता हूँ ना, अननेसेसरी ये लेंदी होगा। ये मैं इसको हटाया और त्रिभुज को बदल रहा हूँ, इससे भी बन जाएगा लेकिन गणना कम से कम 5-6 लाइन एक्स्ट्रा जाएगा, कैलकुलेशन छोटा होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज मैं इसको ले रहा हूँ ओ बी डी, इसमें डायरेक्ट आएगा ओ बी डी में पाइथागोरस समेत। अब कर्ण हो गया ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर अब आधार होगा ओ डी का स्क्वायर, इसे आसानी से निकलेगा ओ डी स्क्वायर, और लंब हो गया बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ओ बी स्क्वायर। अब ये जो ओ डी है, ये जो आप ओ डी देख रहे हो उसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। आगे चल के उसको मैं यही करता लेकिन इसमें जल्दी निकलेगा। दैट इम्प्लाइज अब इसको हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर, अब इसको पूर्ण वर्ग करें तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए इंटू ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर। अब सभी मान को यहाँ पर भरो, सब मान यहाँ पर अपने को पता है। ओ बी देखो, ओ बी यही परिणामी है जिसको हमने क्या लिया है आर, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर का होल स्क्वायर। ओ ए क्या है देखो, ओ ए ये ए है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस ये ए डी है, ए डी क्या है देखो हम निकाल के रखे हैं, ये ए डी है बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू। ओ ए क्या है अपने पास, ओ ए है वेक्टर ए और डॉट ए डी क्या है, ये ए डी का मान हम निकाल के रखें क्या बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा और प्लस बी डी निकाल के रखे हैं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये सब के मान को हमने भर दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो वेक्टर का स्क्वायर स्केलर होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है इसीलिए उस बात को वहाँ पर बताया हूँ मैं। अब ये अदिश हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी अदिश हो जाएगा, ये भी अदिश हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ वेक्टर की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर आप ध्यान देना इन दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से यदि मैं बी स्क्वायर को कॉमन कर लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन लिख सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और प्लस ये दोनों मिल के हो गया बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं टू ए बी कॉस थीटा, देयर फोर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और यही परिणामी का फार्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम में परिणामी की गणना कीजिए, इसका परिमाण की गणना की परिणामी सदिश का गणना कीजिए, तो ये इसका इक्वेशन होगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है किसके लिए, उसके दिशा के लिए। तो यहाँ पर मैं दिशा निकाल देता हूँ, दो लाइन का यहाँ पर कैलकुलेशन, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ दिशा, तो दिशा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखो हम सीधा निकाल लिए टेन थीटा अल्फा, सॉरी टेन अल्फा निकालते हैं ना, दिशा निकालने के टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू देखो ये त्रिभुज है कौन सा ओ बी डी और ये कोण है अल्फा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है बी डी आधार है ओ डी, तो हो जाएगा बी डी अपन ओ डी, बी डी अपन ओ डी दैट इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं बी डी अपन ओ डी को, देखो ओ डी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, अब इसके मान को भर दो तो बी डी का मान अपने पास यहाँ से है बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा अपान ओ ए, ओ ए का मान चित्र में देखो क्या है ए है और ये है बी कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला है टेन अल्फा, और टेन अल्फा का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ये नीचे, ये बहुत आसान है एक लाइन का है,
टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, लंब बटे आधार। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये नियम बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, ये रिजल्टेंट परिणामी निकालने का भी और दिशा निकालने का भी। यदि आपको याद होगा तो ये सब फार्मूला मैंने आपेक्षिक वेग निकाला टू डायमेंशन में तो यूज़ किया, कई जगह यूज़ किया और आगे लगातार ये यूज़ होता रहेगा। तो मैं इंग्लिश मीडियम में बनाया था और मैं समझता था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी उसको देख के समझ लेंगे, इसलिए नहीं बना रहा था। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर उसको आप प्योर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हैं तो हमको उसकी भाषा समझ में नहीं आती, मैं भी इस दिक्कत को महसूस किया तो हिंदी में उसको बना रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मैं बनाऊँगा सदिशों के गुणा पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सदिशों का गुणा, सदिश गुणा और अदिश गुणा। तो वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।